हेलो माय यूट्यूबर फैमिली मेंबर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं लेके आई हूँ सिंपल तरीके से चीज़ पराठा रेसिपी, जो कि सबको पसंद होती है और ख़ास तौर पर बच्चों को बड़ी पसंद होती है। और आप देख सकते हो, मैंने आज शेप भी चेंज कर कर पराठे की बनाई है, क्योंकि हम सर्कल और ट्राइंगल शेप में पराठा रोटी बनाते रहते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आज आपके साथ। यहाँ पर मैंने ली है बड़ी साइज़ की हरी मिर्च, जो कि तीखी नहीं है बिल्कुल भी, और दो मीडियम साइज़ के प्याज लिया है, और दो चीज़ लिया है मैंने, क्यूब्स वाले चीज़ लिया है मैंने, आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो। और अब लूँगी कुछ मसाले, जैसे कि रेड चिल्ली फ्लेक्स लूँगी एंड पिज़्ज़ा सीजनिंग लूँगी। अगर आपके पास में नहीं हो तो आप अवॉइड कर दीजिए, और इसकी जगह आप पुदीना ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर लिया है वाइट पेपर, जैसे कि ब्लैक पेपर होता है वैसे भी वाइट पेपर होता है। और यहाँ चाट मसाला लिया है, काला नमक लिया है, और मैंने सादा नमक और लाल मिर्च का पाउडर भी डाला था, मैं दिखाना भूल गई थी गाइस। और यहाँ पे मैं ले लूँगी एक बाउल, और ये जो चीज़ है इसका कवर निकाल कर कद्दूकस की सहायता से चीज़ को अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल में प्याज और हरी मिर्च का यूज़ किया है। अगर आप और भी वेजिटेबल डालना चाहो तो आप इसको डालकर हेल्दी बना सकते हो अच्छे से, जैसे कि गाजर डाल सकते हो, शिमला मिर्ची ऐड कर सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो। तो आप अपने बच्चों को इस प्रकार से भी वेजिटेबल खिला सकते हो। जैसे आपके बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हो तो आप ऐसे पराठे में डालकर भी बच्चों को वेजिटेबल दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने प्याज को चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है, और अब मैं डालने जा रही हूँ हरी मिर्च और प्याज, और फिर डालूंगी हरे धनिया की पत्ती। और ये हरा धनिया मैंने अपने गार्डन में ही लगा रखा है, और जो फ्रेश हरा धनिया होता है ना, उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आती है गाइज़। तो यहाँ पर मैं डालूंगी कुछ मसाले, जैसे कि मैं अब डालने जा रही हूँ आधा चम्मच के करीब पिज़्ज़ा सीजनिंग, और आधा चम्मच ही मैं डालूंगी चिल्ली फ्लेक्स। अगर आपका बच्चा तीखा नहीं खाता हो तो आप इसको अवॉइड कर दीजिए। और फिर यहाँ पर मैं डाल दूंगी आधा चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार काला नमक। और फिर उसके बाद में मैं डालूंगी वाइट पेपर, अगर आपके पास में वाइट पेपर नहीं हो तो आप ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर सकते हो। और फिर मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार सादा नमक, हमने पहले भी नमक डाला था और अभी भी नमक डाल रहे हैं, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड की करें। और फिर डालूंगी रेड चिल्ली पाउडर, और सारों मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप पराठा बनाने जा रहे हो उसी समय आपको मसाले में नमक ऐड करना है, नहीं तो आपका मसाला पानी छोड़ देगा और हमारा पराठा है ना वो अच्छा नहीं बनेगा, मसाला बाहर निकल जाएगा तो पूरी शेप ख़राब हो जाएगी। और तो मैंने ले ली है यहाँ पर मीडियम साइज की लोई, आप लोई पेड़ा जो भी बोलते हो वो मैंने आटे का ले लिया है। और अब जो ये चकला है इसी साइज का मैं इतना बड़ा इतनी बड़ी रोटी बना लूँगी, और बिल्कुल पापड़ होता है ना उतना ही हमें रोटी को बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो जब हम पराठा बनाएंगे और खाएंगे ना तो हमारे मुंह में आटा ही आटा आएगा, ना कि चीज़ का फ्लेवर आएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको जो इसकी लेयर है ना रोटी की, वो आपको बिल्कुल पापड़ की जैसे पतली बनानी है। आप देख सकते हो मैंने कितनी पतली बनाई है, आपको दिख भी रहा होगा। तो बस अब इसको स्क्वायर शेप देते हैं। मैंने घी लगा लिया है ब्रश की सहायता से चारों तरफ अच्छे से, और अब मैं स्क्वायर शेप देने जा रही हूँ। तो मैंने उठाकर और पलट दिया है, और उधर से भी मैंने उठाकर इसको पलट दिया है। और अब मैं डालने जा रही हूँ जो ये चीज़ का मैंने मसाला बनाया था, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से हमें मसाला ऐड करना है, ये नहीं कि हमने एक चम्मच डाल दिया और ये लो हमारा चीज़ पराठा बनकर तैयार हो गया है। नहीं गाइस, ऐसे टेस्ट नहीं आता है चीज़ का, आपको अच्छे से भरकर चीज़ डालना है। और फिर उसको उधर से मैंने पलट कर उंगली की सहायता से किनोरी दबा दी है, ताकि हमारा मसाला बाहर नहीं निकले। जब हम बेलन की सहायता से रोटी को बनाएंगे तो हमारा मसाला है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आपको इस प्रकार से चारों तरफ से इसको पैक कर लेना है उंगली की सहायता से दबा कर। और फिर मैं सूखा आटा लगा कर इसको टैप टैप करूँगी, पहले मसाले को अच्छे से इसमें फैला लूँगी, नहीं तो आप जैसे बेलन चलाओगे ना तो एक तरफ तो मसाला चला जाएगा एक तरफ खाली रह जाएगा, तो फिर वो पराठा जो बनाना चाहते हैं ना वो उस प्रकार से नहीं बनेगा हमारा। तो बस मैंने फिर बेलन की सहायता से हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लिया है, जोर लगा के नहीं चलाना है हमें पराठे के ऊपर बेलन को, नहीं तो जो हमारा मसाला है वो निकल जाएगा। और यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है और इस पर मैंने घी लगा दिया है, और अब मैं इसको पराठे को सेक लूँगी। और
आप भी अगर नॉन स्टिक तवा ले सको गाइस तो नॉन स्टिक तवे पर ही इसको पराठे को बनाएं, क्योंकि जब हमारा चीज़ मेल्ट होता है ना तो वो तवे को लगता है, और नॉन स्टिक तवे पे क्या है ना ये पराठा चिपकेगा नहीं। और लोहे वाले पे आपको घी भी यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑयल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, तो नॉन स्टिक तवे पे काफ़ी अच्छे से ये बन जाता है। और नहीं हो गाइस तो लोहे के तवे पे भी बन सकता है, बस वहाँ पर घी ऑयल का यूज़ ज़्यादा होता है। और यहाँ पर ये लीजिए, मैंने दोनों तरफ से घी लगाकर पराठे को सेक लिया है, और आप देख सकते हो चीज़ मेल्ट होने लगा है। और ये देखो गाइस कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी बना था, और बिल्कुल मैंने इसको मीडियम साइज़ पे पकाया है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाया है। और आप देख सकते हो कलर कितना उभर कर आया है, बहुत ही क्रिस्पी यम्मी टेस्टी पराठा बना था। तो इस प्रकार से मैं अपने चारों पराठे बना लूँगी। मैं ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बना रही थी संडे को, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो अगर गाइज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।